वायरस महामारी को मात देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से 7 अपील की, लेकिन कांग्रेस ने अब पीएम पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि देश लॉकडाउन का समर्थन करता है, लेकिन सरकार सिर्फ देशवासियों को जिम्मेदारी का एहसास न दिलाए बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करे। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से 7 सवाल पूछे, जिन पर जवाब मांगा गया। नंबर 1, कोरोना की रोकथाम का एकमात्र रास्ता है टेस्टिंग। 1 फरवरी से 13 अप्रैल 2020 तक यानी 72 दिनों में देश में सिर्फ 217,554 कोरोना टेस्ट हुए, औसत 3,021 टेस्ट प्रतिदिन। टेस्ट कई गुना बढ़ाने की क्या योजना है। नंबर 2, कोरोना के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के योद्धा डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी है। इनके लिए अब तक N95 मास्क और PPE की जबरदस्त कमी है। इस मसले पर आपकी चुप्पी क्यों है? यह सुरक्षा कवच कब उपलब्ध होगा? नंबर 3, पलायन कर चुके करोड़ों मजदूर आज रोजगार रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। इस संवेदनशील व मानवीय मसले पर आपका एक्शन प्लान क्या है? लाखों एकड़ गेहूं रबी की फसलें कटाई के लिए तैयार है, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं? समय पर कटाई और MSP पर फसल खरीद सुनिश्चित करने को लेकर आप चुप क्यों हैं? देश का अन्नदाता और खेती आपकी प्राथमिकता सूची से बाहर क्यों है? नंबर 5, कोरोना से पहले ही देश का युवा अभूतपूर्व बेरोजगारी से जूझ रहा था, अब बेरोजगारी छटनी नौकरियां जाने की दर विकराल रूप ले रही है। आपकी COVID-19 इकोनॉमी रिकवरी टास्क फोर्स कहां गायब है? करोड़ों युवा कहां जाए? नंबर 6, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ दुकानदार, लघु और मध्यम उद्योग आज चौपट होने की कगार पर है। खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इन्हीं क्षेत्रों में है। इन्हें वापस पटरी पर लाने और आर्थिक मदद के बारे में आपके क्या एक्शन प्लान है? नंबर 7, पूरी दुनिया ने कोरोना से पैदा हुए आर्थिक संकट से पार पाने के लिए करोड़ों अरबों रुपयों के आर्थिक पैकेज लागू किए। इस सूची में आपकी सरकार आखिरी पायदान पर क्यों खड़ी है? नियत और नीति की ये कमी देश को भारी पड़ रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज में कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।